now been switched off. However, for your safety throughout the flight, you are required to keep your seatbelt fastened whenever you are seated. This morning, we will be serving a light refreshment with cold drinks. टाइम हो रहा है सुबह के 8:45। आपने देखा इससे पहले कि मैं एक फ़्लाइट में था। मैंने सुबह 6 बजे की फ़्लाइट ली थी कैनबरा से। कैनबरा सिडनी से ज़्यादा दूर नहीं है, दैट इज़ दी नेशनल कैपिटल फॉर ऑस्ट्रेलिया। मैं कल गया था वहाँ पर, एक इवेंट अटेंड करना था मुझे, रात को एक डिनर अटेंड करना था। काफ़ी लेट वो डिनर ख़त्म हुआ, तकरीबन 11 बजे मैं अपने रूम में वापस आया और मैंने सुबह 6 बजे की फ़्लाइट ली है, जिसके लिए मैं 3:30 उठा था। तो टेक्निकली आई स्लेप्ट फॉर 4-4.5 आवर्स। तो सुस्ती बहुत आ रही है, पर मेरा कोई काम नहीं था तो आई थॉट घर जितनी जल्दी जा पाए जाएं। आज मेरी मदर का बर्थडे भी है तो जितना लेट करेंगे उतना टाइम कम स्पेंड करने को मिलेगा उनके साथ। शायद मैंने आपको बताया नहीं, एक हफ्ता पहले मेरे मम्मी पापा आए हैं और कुछ दिन पहले मेरी बुआ भी आई है। तो घर भरा हुआ है, रौनक है। 3 सीनियर सिटीजन है, पापा मम्मी और बुआ जी। तो ये कहानी है आज की। फ़्लाइट बहुत छोटी थी, तकरीबन 50 मिनट की फ़्लाइट है। अगर आप ड्राइव करके जाएं तो 3-4 घंटे में पहुंच जाते हैं। 50 मिनट की फ़्लाइट के बाद मुझे 1 घंटे से ऊपर लग गया घर आने में। ट्रेन लेट थी, स्लो थी, वेरियस रीजंस। तो फाइनली अब जाकर घर पहुंचे, अब देखते हैं क्या करना है दिन में। तो गाइस टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10:45। मैं घर पे 1.5-2 घंटा बैठा, अपनी मम्मी को विश किया, उनके साथ बैठ के चाय पी, उनको कल के इवेंट के बारे में बताया, गप्पे मारी थोड़ी, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत लो हैं क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ ढंग से। तो मैं घर में फर्नीचर की तरह पड़ा हुआ था इधर उधर, कभी सोफे पे बैठ रहा था, कभी कुर्सी पे लेट रहा था। देन आई थॉट कि यार ये सब करने से अच्छा एक वर्कआउट लगा के आते हैं, हो सकता है एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएं, कुछ तो प्रोडक्टिव हो ऐसे फर्नीचर की तरह बैठने की बजाय। तो मैं जिम आ गया। आज मुझे बैक ट्रेन करनी है अपनी। वर्कआउट में थोड़ा चेंज है, 4 दिन का वर्कआउट चल रहा है मेरा, उसको कवर करूंगा किसी और वीडियो में, बट आज सिर्फ बैक ट्रेन करेंगे। सुस्ती भगाने के लिए मैंने एक C4 पकड़ लिया था, ये पी रहा हूं मैं, थोड़ा इससे फर्क पड़ना चाहिए। थोड़ा वर्कआउट करते करते नींद वैसे ही भाग जाती है, बट अपनी फैमिली के लिए छोटे छोटे जेस्चर्स करते रहने चाहिए। मेरी ओरिजिनल फ्लाइट 10-11 बजे की थी, तो मैं सिडनी 12-12:30 पहुंचता, घर पहुंचता 2 बजे। मैं चाहता था इवेंट के बाद आराम से सोऊं, अच्छा ब्रेकफास्ट करूं, फिर आऊं। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना मैं जल्दी पहुंच जाऊं, आई स्पेंड सम टाइम विद माई मदर, मेक हर फील अ लिटिल स्पेशल। और आई थिंक वही वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करती है मेरे से। कोई गिफ्ट या इन सब चीजों के मायने इतने ज्यादा नहीं होते, ये छोटा जेस्चर मेरे जल्दी आने का, उनके साथ बैठ के चाय पीने का, गप्पे लड़ाने का, उनको विश करने का, मेरे को लगता है उनको बहुत पसंद आया। तो आई वॉज रियली हैप्पी, आई थिंक कम सोना वर्थ इट था। सो कीप मेकिंग योर फैमिली फील स्पेशल, मतलब अपने परिवार को स्पेशल फील कराने के छोटे छोटे तरीके ढूंढते रहिए, स्पेशली द वुमेन इन योर लाइफ, अपनी मदर, अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर्स, उनको अप्रिसिएशन ज्यादा दीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको लाइफ में अप्रिसिएशन मर्दों से कम मिलता है। सो डू अ लॉट मोर फॉर ऑल द वुमेन इन योर लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मर्दों का ख्याल ना रखें, उनके लिए भी उतना ही करने की कोशिश करें, पर ये चीजें स्पेशल बनाने की कोशिश कीजिए, बर्थडे वगैरह। मैं करता हूँ, और उससे याद आया मुझे उन्हें गिफ्ट दिलानी है उनकी पसंद की, वो कह रही है मुझे शॉपिंग करनी है, तो मैं उन्हें शॉपिंग करने भी ले जाऊंगा। अब चलेंगी कब पता नहीं, बातें बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन चलेंगी कब पता नहीं। पर हम चलते हैं, हम जिम चलते हैं, जिम के बाहर गाड़ी लगाई है मैंने, हम जिम चलते हैं, बैक लगाने की कोशिश करते हैं। आई होप इससे हेल्प मिले और वर्कआउट अच्छा हो। जिम में मिलते हैं। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. Bahut zyada tiring workout, I think 1.5 ghanta maine workout kiya. Pehla 1 ghanta okay tha,
वर्कआउट अच्छा हुआ, आई थिंक C4 ने हेल्प करी, ब्लड फ्लो से थोड़ी सुस्ती भागी, लेकिन एनर्जी लेवल टुवर्ड्स द एंड काफी गिर गए, मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, अपने आप को पुश करना पड़ा, बट दैट वाज एक्सपेक्टेड। मुझे लग रहा था ये फटीग, ये थकान जल्दी हिट होगी, बट एक घंटा हाई क्वालिटी वर्कआउट है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। सो टाइम वेल स्पेंड, घर में ऐसे ही सुस्ती फैलाने से अच्छा है कि एक वर्कआउट लगा लो। पर मैंने कुछ ज्यादा खाया नहीं हुआ और अब बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1:15, बट नेवरदलेस गुड वर्कआउट। बैक की मैंने 4-5 एक्सरसाइजेस करी है, वीडियो अच्छे नहीं आए, मैंने बाद में देखा बहुत ज्यादा भीड़ थी जिम में, तो मैं बहुत आराम से शूट कर नहीं पा रहा था। टाइम हो रहा है शाम के 4 और हम आए मॉल फाइनली, मम्मी को कन्विंस कर लिया था थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो मैं, इशिता, पापा, मम्मी, मेरी बुआ, पांचों लोग उसके आए हैं गाड़ी में। विहान का मन था लेकिन बाद में उसने मना कर दिया आने से, अच्छा हुआ, नहीं तो एक जने को ट्रेन में आना पड़ता, 6 लोग गाड़ी में आते नहीं। तो उनको हमने छोड़ दिया मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए, अब वो अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। मैं शॉपिंग में, स्पेशली फीमेल्स की शॉपिंग में बोर हो जाता हूँ, नो ऑफेंस, क्योंकि उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आ गया हूँ बाहर कॉफ़ी पीने के लिए। आई नो 4 बजे इट्स नॉट एन आइडियल टाइम टू हैव अ कॉफ़ी, लेकिन एक अच्छी कॉफ़ी सुबह से पी नहीं है मैंने, तो मैं और रिश्ता बैठ के कॉफ़ी पियेंगे, तब तक वो अपनी शॉपिंग निपटाएंगे। आई होप जल्दी हो जाए, होना ही पड़ेगा क्योंकि 5 बजे सब बंद हो जाता है भाई। 5 बजे, 5 PM, ऑल द मॉल शट इन सिडनी। कॉफ़ी पीने आए हैं कॉफ़ी शॉप में, पीछे एक ग्रुप बैठा हुआ है, कुछ बर्थडे पार्टी चल रही है, इनका केक बहुत सुंदर लगा है, बस देखने में तो अच्छा है ना, देख के थोड़ा टेस्ट फील कर सकते हैं, हम खाते तो नहीं है हम लोग। कॉफ़ी की वेट हो रही है, मुश्किल होता है भाई 4 बजे कॉफ़ी मिलना भी, लेकिन रिश्ता जी ने जान पे खेल के भाग दौड़ के किस तरह ऑर्डर प्लेस कर ही दिया। आ गई है कॉफ़ी हमारी, रिश्ता ने मेरी टेक अवे में ली है, बोला था बैठ के पीने हैं तो मेरी भी ऐसी कप में लेगी, और चीनी डाली है उन्होंने भर के तो कैप्चर हो गई है, कैरमल बंद कर दिया है मैंने, वन शुगर लिया है। अच्छा, फीकी कॉफ़ी नहीं पी जाती आपसे? धीरे धीरे अच्छी है, और अच्छी से ज़्यादा चॉइस नहीं है इस टाइम, और कहीं कॉफ़ी ज़्यादा शायद मिलेगी नहीं। और जब से पापा मम्मी बुआ आए हैं, पहली बार मॉल आए हैं, तो मुझे लग नहीं रहा कि जब तक मॉल बंद नहीं होता और लोगों को बाहर नहीं निकालना शुरू करते, वो बाहर निकलेंगे। अब टाइम हो रहा है शाम के 6, आधा घंटा पहले मैं मॉल से वापस आया था, आई एम रियली हैप्पी। मम्मी ने थोड़ी शॉपिंग करी अपने बर्थडे के लिए, कुछ स्वेटर्स वगैरह लिए। वर्कआउट के बाद जो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैंने लंच के टाइम पे खाया था क्योंकि ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट हुआ था। मॉल में कॉफ़ी के बाद मुझे भूख लग गई, कुछ अनसेंट मैं खाना नहीं चाहता था, तो एक ये बूस्ट जूस शॉप होती है यहाँ, लेकिन ये प्रोटीन शेक्स भी बनाते हैं, तो इसमें ओट्स होते हैं, बनाना होता है, डेट्स होते हैं, दूध होता है, प्रोटीन होता है, तकरीबन 500 कैलोरीज का 29-30 ग्राम्स प्रोटीन के साथ ये शेक बना के देते हैं, तकरीबन $10 का, जो कि यहाँ के हिसाब से एक एवरेज मील के प्राइस से सस्ता है। तो मैंने पैसे बचाए, हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन लिया, प्रोटीन इंटेक अच्छा रहा, 500 कैलोरीज भी आ गई है। 2 चीज़ें और ली थी, एक ये लिया है मैंने ग्लूकोसामाइन कॉन्ड्रोटिन, ये मेरी मदर के लिए है, जब वो वॉक करती हैं तो उनको घुटने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब से ये लेना स्टार्ट किया है काफ़ी आराम मिला है उन्हें। ग्लूकोसामाइन कॉन्ड्रोटिन आप भी ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स को दीजिए, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके। उम्र के साथ साथ आपके जो जॉइंट्स में कार्टिलेजेस होती हैं वो वीक होने लगती हैं, उसको स्ट्रेंथन करने में, उसकी पेन कम करने में, उनके इन्फ्लेशन कम करने में ग्लूकोसामाइन कॉन्ड्रोटिन काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्लीज़ अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, ऐसे सप्लीमेंट्स उनके डाइट में, उनकी लाइफ में ऐड करते रहे। और साथ में एक पेन किलर, ये वॉल्ट्रन जेल ली है मैंने, पापा के पैर में मोच आ गई थी जिस दिन वो आए थे, उसके अगले दिन मोच आ गई थी, ही इज़ बेटर नाउ, लेकिन ये जेल की ज़रूरत आई थिंक पड़ेगी उनको कुछ दिन के लिए। तो अभी तक का काम बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा है, बर्थडे जैसा मनना चाहिए वैसे ही मन रहा है, लेकिन बिना केक कटे और अच्छा खाना खाए बर्थडे नहीं मनता है, तो शाम की वही तैयारी है। आई थिंक विल गो आउट समवेयर, केक मेरी सिस्टर ने ऑर्डर कर दिया है कनाडा से, उसने मम्मी के बर्थडे के लिए केक ऑर्डर कर दिया, मैं लेने जाने वाला था, लेकिन आई डोंट नीड 2 केक्स, इतना मीठा नहीं चाहिए मुझे घर पे। तो शाम को कहीं जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, केक वहीं काटेंगे, एंड वी विल हैव अ गुड टाइम। टाइम हो रहा है रात के 7:30 और मैं वॉक करके जा रहा हूँ जहाँ पर हमें जाना है डिनर करने के लिए। और मेरे वॉक करने के 2 रीज़न हैं, पहला रीज़न ये कि हम 6 लोग हैं और हमारी गाड़ी 5 सीटर है, तो एक जने को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, गाड़ी में नहीं आ सकते सारे, यहाँ पर बच्चे को गोदी में नहीं बिठा सकते हो आप, तो जितनी सीट है उतना ही लोग होने चाहिए, तो वो कुर्बानी दी है मैंने। दूसरा रीज़न है कि मेरे स्टेप्स नहीं हुए थे आज,
मेरे तकरीबन 7,500 स्टेप्स हुए हैं। ये जगह घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो जाऊंगा वॉक करके, आऊंगा वॉक करके, 10,000 हो जाने चाहिए, विच इज गुड फॉर अ वीकेंड, विच इज गुड जब मैं सोया नहीं हूँ ढंग से। और मुझे बहुत टाइम तक इंटरनल नेगोशिएशन करनी पड़ी अपने साथ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था आज वॉक करने का क्योंकि थकान बहुत थी, तो नींद पूरी नहीं हुई, वर्कआउट बहुत तगड़ा वाला लगाया, उसके बाद मॉल चले गए घूमने के लिए, तो आराम नहीं मिला आज। तो बहुत देर तक मेरे मन में ये ख्याल था कि आज वॉक नहीं करूंगा, आज स्टेप्स पूरे नहीं करूंगा। घर के पीछे ही ट्रेन स्टेशन है, 1 स्टेशन दूर है ये जगह, तो तकरीबन आधे घंटे पहले तक मेरा प्लान था कि मैं वो ट्रेन लेके जाऊंगा, बाकी सब कार में आएंगे। बट फिर इंटरनल नेगोशिएशन, मैंने अपने आप को समझाया कि यार एक दिन के आराम से आदत टूटने लगती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वीक होने लगती है, तो जो करना है वो करना है, अगर आप थके हो तो थकान को झेलना है। कल संडे है, अच्छी बात है, तो देर तक सो सकता हूँ थोड़ा। और ऑनेस्टली जितनी सुस्ती घर पे थी अब उतनी नहीं है, बाहर निकलने से थोड़ा फर्क पड़ता है, हवा लगने से थोड़ा फर्क पड़ता है, बाहर निकलने से, हवा लगने से, ब्लड फ्लो आने से वो सुस्ती काफ़ी कम हो जाती है। आई एम नॉट वेरी फ्रेश, बट मैं उतना सुस्त भी नहीं हूँ जितना घर पे फील कर रहा था। Happy birthday dear mum, happy birthday to you. बताओ किसने गाया था, किसने गाया था? सबने गाया, आपकी जान के लंबा गा।